आज हम आपको बताएंगे कि बिना ताप को बढ़ाए हम पानी में उबाल कैसे ला सकते हैं, है ना फ्रेंड्स, यह इंटरेस्टिंग। तो फ्रेंड्स हम जानते हैं कि सभी लिक्विड का क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वह दाब कम करने से कम हो जाते हैं, यानी कि अगर हम लिक्विड को कम दाब वाले वातावरण में रखें तब पानी कम टेम्परेचर में भी उबलने लगेगा। लेकिन हम ऐसे कैसे मान लें भाई जब तक हम प्रैक्टिकल ही नहीं कर लेते, है ना फ्रेंड्स। तो चलिए अब प्रैक्टिकल करके इसे सीखते हैं और इसे समझते हैं। इसे आप भी अपने घर पर कर सकते हैं फ्रेंड्स, लेकिन सावधानी से, ठीक है फ्रेंड्स। सबसे पहले दाब को कम करने के लिए हम एक सिरिंज लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर एयर इंटर ना कर पाए यानी कि हवा अंदर प्रवेश ना कर पाए, इसके लिए सुई के छेद को बंद कर देते हैं, रबड़ लगा देते हैं यहाँ इस तरह, ठीक है फ्रेंड्स। अब एक कटोरी में गर्म पानी लेते हैं, गर्म पानी को सिरिंज में आधा या आधे से कम भरते हैं। अब हम सिरिंज के प्लंजर को पीछे की तरफ खींचते हैं। जैसे ही हम प्लंजर को खींचते हैं आप देख सकते हैं गर्म पानी खौलना शुरू हो जाता है, है ना फ्रेंड्स, हमारा वीडियो इंटरेस्टिंग। तो फ्रेंड्स इसके पीछे साइंस यह है कि जब इस सिरिंज के प्लंजर को पीछे खींचते हैं तब सिरिंज के अंदर का दाब कम हो जाता है, जिससे इसके अंदर का लिक्विड जो कि फ़िलहाल हमने पानी ही रखा है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, जिससे पानी कम टेम्परेचर पर भी उबलने लगता है। बॉइलिंग पॉइंट यानी कि वह टेम्परेचर जिस पर लिक्विड उबलना शुरू हो जाता है वह टेम्परेचर उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स इसी तरह हम नॉर्मल पानी को भी बिना गर्म करे उबाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए दाब को बहुत ज़्यादा कम करना होगा। लेकिन फिलहाल हम इस सिरिंज से प्रेशर को इतना कम नहीं कर सकते, इसलिए हमने इस वीडियो में हल्का गर्म पानी लिया है। और फ्रेंड्स एक स्पेसिफिक टेम्परेचर और प्रेशर पर यदि पानी को हम रखें तो उसी ताप और दाब पर पानी उबलने भी लगता है, भाप भी बनता है, बर्फ भी जमने लगता है और बर्फ पानी में भी बदलने लगता है। इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, ऊपर राइट साइड पर यहाँ पर क्लिक करके आप यह वीडियो भी देख सकते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है फ्रेंड्स, यह भी वीडियो आप ज़रूर देखिएगा एक बार। वीडियो में कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और ऐसे ही वीडियो रोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू फ्रेंड्स।